मतलब मेमोरी जाते तो छोड़ आई हूँ। हमारी हेड ऑफ फैमिली आ चुकी है, तबीयत इनकी ठीक हो चुकी है। तो अभी मैं आई हूँ नहा के। नहाने के बाद कपड़ों की तय लगा देती हूँ, कपड़े पड़े हुए हैं और तय लगा के कपड़ों को मैं रख देती हूँ। अभी जो टाइम हुआ शाम का टाइम है, करीबन करीबन बजे हैं 4:30। और अभी हम लोगों ने पी है चाय। मैंने मम्मी को भी चाय दे दी, थोड़ी सी चाय दी है मम्मी को, ज़्यादा चाय बना के नहीं दी क्योंकि हस्बैंड तो मना करके गए थे मम्मी को चाय मत देना, लेकिन होता है ना जिनको आदत होती है चाय की फीलिंग आती है कि चाय मिल जाए, तो इसलिए मैंने बिल्कुल ज़रा सी चाय मम्मी के लिए दी थी और मैंने भी पी ली। फैन मैंने ऑफ़ किया हुआ है, एसी भी ऑन नहीं है क्योंकि मेरे को ज़्यादा देर के लिए रूम में नहीं रहना, इसलिए मैंने एसी ऑन नहीं किया, फैन बंद कर दिया इसलिए, क्योंकि आप सभी के पास मेरी आवाज़ नहीं जाएगी। आप लोग मुझे बोलते ही रहते हो कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है इसलिए। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बहुत सारे लोग तो समझ जाएंगे। और ये जो आप देख, हम इसे बोलते हैं बीजना, बीजना ही बोलते हैं, पंखे भी बोलते हैं वैसे बीजना बोलने के, हम लोग जो गांव की भाषा होती है उसमें बोलते हैं बीजना। और ये जब मेरी शादी हुई थी ना, उस समय पे नई नई शादी हुई थी, तो फर्स्ट जो रक्षाबंधन आता है ना उस पर हम लोगों में बोलते हैं सोगी जाना, कि सोगी जाएगी, लड़की के लिए कपड़े जाते हैं ससुराल पक्ष से और मायके से, फिर उन्हें सामान मिलता है, तो उसमें सामान सामान के साथ ये जरूर मिलते हैं, बीजने वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस समय पे ये दिए थे, आज से कितने साल आइडिया लगा सकते हो, 20 साल पहले। नया फैन ऑफ किया हुआ है ना, तो मैं आराम से इस तरीके से बात करूंगी और आपको भी, आपके पास भी मेरी आवाज़ अच्छे से आएगी, तो इसलिए। ओहो, बात करते करते आ गए, उम्र बड़ी लंबी हो भाई इनकी, अभी आपकी बात हो रही थी और आप पसीने इसलिए आ रहे हैं, फेरों किया हुआ है ना मैंने इसलिए, क्योंकि मेरी आवाज ठीक से नहीं आएगी। अच्छा, और भिंडी है? हाँ ले आए। चलो ठीक है, पंखा चलाओ, पसीने सुखाओ। प्रोग्राम हो चुका है चेंज, क्योंकि मैं सोच रही थी कि खाना बना के पैक करके और मम्मी और इनका यहीं पे रख के जाऊंगी, अपना लेके जाऊंगी, लेकिन जैसे ही ऑफिस से आए इन्होंने पूरा प्रोग्राम कर दिया चेंज। और इनका प्रोग्राम क्या है, इनकी जवानी। एक्चुअली क्या था, ये बात ये थी कि पहले हम सोच रहे हैं खाना बना लेते हैं और ये लोग चले जाएंगे, मैं यहीं रुकूंगा अम्मा के पास, तो लेकिन अभी एकदम अम्मा बोली कि भाई मेरी थोड़ी तो तबीयत ठीक लग रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर अम्मा ने बोला कि वहीं चले, मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो फिर हमने हमारी जो सब्जी आई थी और जो कुछ सामान सब कुछ पैक हो गया, सब कुछ पैक करके हमने गाड़ी में रख दिया, गाड़ी में रख दिया और विश्वास गाड़ी लेके आया था, तो विश्वास अब स्कूटी लेके अपने दोस्तों से मिलने गए, तो अम्मा अगर हम तैयार हो गए तो हमने कुछ सारा सामान जो गाड़ी में रख के और उसको वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ हमारा न्यू होम है, तो वहीं बनाएंगे, तो ये प्लान चेंज हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं घर पे, और ये है इलायची जो सफ़र में मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, तो इसे मैं अपने पर्स में हर समय रखती हूँ। घर पे चल के बच्चों को भी देखना क्या है, क्या कर रहे थे? सारा कर दिया काम तमाम। अगर गेट खुला रहेगा तेरे लिए हम गेट खोल के रखते हैं कि चलो टॉयलेट होके आ जाएगा, तो तू ये हरकत करेगा? ये क्या करा है तूने, सारे पौधे का क्या कर दिया? और ये देखिए, जब मैं दिल्ली गई थी उससे पहले मैं दही जमा के गई थी और मेरी जो दही है मुझे इतनी अच्छी जमी हुई मिली। तो देखिए दही जमाने का सीक्रेट आपको बताती हूँ, जब आप दही को जमाते हो ना तो पहले तो दूध को आप अच्छे से उबाल लीजिए, जब आपका दूध अच्छे से उबल जाए उसे नॉर्मल कर लीजिए और उसमें आप एक चम्मच डाल दीजिए दही, जो आपकी दही है जमाने के लिए मतलब, और आधा चम्मच भी डाल सकते हो। उसके साथ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हरी मिर्च, जिसमें डंठल हो उन्हें धो के आप इसके अंदर डाल दीजिए और आपकी जो दही है बिल्कुल ऐसे जमेगी जैसे कि मक्खन आइसक्रीम, मतलब बिल्कुल भी इधर से उधर पानी नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी मेरी दही जमी है, तो आप इसी तरीके से ज़रूर जमाया करें। क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? एक एक रोटी वाली अम्मा की बेटा, एक रोटी वाली छोड़ आई हूँ। हमारी हेड ऑफ फैमिली आ चुकी है, तबीयत इनकी ठीक हो चुकी है। और अभी अभी मैंने एक इंट्रो बनाया था नेशनल पूजा चैनल की, एक वीडियो शूट की थी, तो और ये मेरा प्यारा सा बच्चा हर समय जहाँ पर मैं रहती हूँ ये वहीं पर रहता है। तो मेरी वीडियो शूट हो चुकी है, आज मैंने ये वाली इयर रिंग्स पहनी है, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वाली पहनी है। और मेरा जो लिपस्टिक शेड है आपको कैसा लग रहा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, कॉफ़ी कलर है। तो ये आए अभी ऑफिस से और आने के बाद आज मैंने बनाया था दलिया, ये दलिया खा के गए थे और ये लंच लेके नहीं जाते, मैं बोलती भी हूँ कि थोड़ा बहुत लेके जाया करो क्योंकि फिर
दिन काफी लंबा हो जाता है, भूख तो लगती है ना, दलिया से क्या होगा, 2 गिलास दलिया पी के गए थे। कह रहे नहीं मुझे भूख नहीं लगती, मैंने चलो ठीक है। और अभी जो टाइम हुआ है बजे हैं 5, ये अभी ऑफिस से आए, तो कह रहे कुछ खाने के लिए है क्या। मैं कहा खाने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ खा। तो मैं कह यार 2 गिलास दलिया पी के गए थे, तो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, लेकिन वो छोड़ के मैं आ गई। मैं इनको पहले मैं परांठे बना के दे देती हूँ। किस चीज के बना रही हूँ, ये मैंने मॉर्निंग में बनाई थी आलू की भुजिया, तो थोड़ी सी बची हुई थी, इसमें और मसाले डाल के ऐड करके अच्छे से मैश करके, तो इनके लिए फटाफट से परांठे बना के दे देती हूँ, जिससे इनकी जो भूख है थोड़ी सी शांत हो जाए। तो आइए आप भी गर्मा गर्म आलू का पराठा खाइए। और ये परांठे मैंने किसी और के लिए नहीं बनाए थे, बस इनके लिए बनाए थे, मतलब 2 पराठे। बच्चों से पूछा, बच्चे मना कर रहे थे, मम्मी नहीं हमें जिम जाना है, हम नहीं खाएंगे। लीजिए, धन्यवाद। और यहाँ पर जो ये प्लेट रह के ना, ये अभी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, और ये मैंने मंगाई थी फ्लिपकार्ट से। क्यों मंगाई थी, देखिए जो अभी मेरे किचन में रह के ना, उनका जो साइज है वो छोटा है, और जो मेरी थालियाँ हैं उनका साइज है बड़ा। ये वाली थालियों का साइज बड़ा नहीं है, ये तो नॉर्मल है, छोटी साइज की थालियाँ हैं, लेकिन इनके लिए मैंने ये रैक मंगाई थी। ये इसलिए मंगाई थी, डेली की थालियाँ, डेली मैं इनमें ही खाना देती हूँ, तो मुझे रैक बार बार खोलने की ज़रूरत ना पड़े। और जो बड़े साइज़ की मेरी थालियाँ हैं उनको मैंने लिटा के रखा हुआ है अपनी रैक में, क्योंकि वो स्टैंड में तो आ नहीं पा रही थी इसलिए। और ये मैंने मंगाया था साथ में कप स्टैंड, क्योंकि इसकी भी मुझे ज़रूरत थी, और ये भी मेरे पास में नहीं था। कप कुछ ऐसे हैं जिनको मैं कभी कभार निकालती हूँ, वो तो मैंने उसका जो मतलब बॉक्स होता है ना उसी में सेट करके रखा हुआ है, और इनको मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पर आने के बाद भी मेरा वही सिस्टम है, जैसे कि टोकरे में सारे बर्तन इकट्ठे करके रखना, मतलब जो झूठे बर्तन होते हैं जब इनकी सफाई करती है नीता, तो मैं क्या करती हूँ, ये सारे बर्तन ना इसमें रखवा देती हूँ, और 1 घंटे के बाद मतलब ये इनका जो पानी है सारा नीचे निकल जाता है और ये ड्राई हो जाते हैं, उसके बाद मैं इनको सेट कर देती हूँ। कहने को आप लोग ये बोलते थे कि दीदी आपकी डबल सिंक होनी चाहिए, मेरी डबल नहीं ट्रिपल है। विश्व जॉर्ज जॉर्ज कुछ नहीं, चलो चलो नीचे उतरो। तो मेरी डबल नहीं ट्रिपल है, आपको दिखा देती हूँ। एक यहाँ पे है जो ऊपर लगा हुआ है आरओ, और ये जो कपड़ा है ना मैंने थोड़ा सा इसलिए रख रखा है कि बर्तन बर्तन साफ करती है ना नीता, तो उससे बोल देती हूँ थोड़ा सा यहाँ से पानी को साफ कर दिया कर, जैसे नीचे ना गिरे और धूप में इसे सुखा जाती है, ठीक है। और डबल सिंक आपको मिलेंगे यहाँ पे, एक ये रही और इसके साइड में है ये वाली, ठीक है। इनमें क्या होता है, मैं जैसे कि होता है ना झूठे बर्तन बच्चों की आदत होती है यहीं पर डाल देते हैं, लेकिन मैं उनसे मना भी करती हूँ कि बेटा इस साइड डाला करो, क्योंकि जो हमारी किचन है ना, हमारा मेन गेट वो है, तो वहाँ से कोई भी एंट्री करता है ना तो फ्रंट पे ये दिखाई देते हैं, तो अच्छे नहीं लगते। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना किचन में एक रैक सेट करवा लेती हूँ बर्तनों के लिए, जिससे अनीता यहीं पे बर्तन साफ करे, और यहीं पे जैसे कि थाली है, कटोरियाँ हैं, गिलास है, तो इसी जगह पे रख दे। कुछ कुछ पौधे हमारे सूखने लगे हैं, और मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ पौधे तो एकदम सही हैं, कुछ कुछ पौधे लेकिन सूखने लगे, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि किस तरीके से केयर की जाती है, मुझे ज़्यादा अच्छे से केयर करने नहीं आती। और एक मेरा जॉर्ज है ना, देखिए इसको ऊपर से खा गया पूरा एक ये वाला तोड़ दिया, और ये आप देख रहे हो ना ये सूख रहा है, ये देखिए ये सूख रहा है, इसकी जो पत्तियाँ हैं ना ये सारी सूख रही हैं, कहीं कहीं से हरा है लेकिन कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा सूख रहा है। ये जो बेल है ये एकदम ठीक है, इसकी एक भी पत्ती नहीं सूख रही, एकदम ताज़ा है। और साथ में ये वाला प्लांट है, ये भी मतलब ठीक है, गुड़हल का प्लांट भी ठीक है, ये भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये सूख रहा है। मोरपंखी भी ठीक है मेरी, और इसे बोला जाता है बम्बू बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये भी थोड़ा ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स मेरे ऐसे हैं जो सूख रहे हैं, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से मैं केयर करूँ। वैसे मैं आपको सच बताऊँ ना, यूट्यूब पर वीडियो में सर्च करती रहती हूँ कि किस तरीके से प्लांट्स की केयर की जाती है, और उसी तरीके से मैं अपने प्लांट्स की केयर भी कर रही हूँ साथ में, लेकिन उसके बाद भी जॉर्ज है ना, जॉर्ज से तो सच में मुझे बहुत ही बचा के रखने हो रहे हैं, मतलब एक नज़र ना जॉर्ज पे रहती है मेरी। ये देखिए गुड़हल का फूल, ये देखिए गुड़हल का दिखाऊंगा आपको, इसमें तो फूल भी निकले हुए हैं। हमारा जो जॉर्ज है ना, मतलब प्लांट्स के तो ऐसे पीछे पड़ा हुआ है कि आएगा और मुँह में भरेगा और भाग जाएगा। उसने 1 से 2 प्लांट्स मेरे कई तोड़ दिए, और ये मैंने रख दिया ऊपर, इसमें फूल निकलते रहते हैं, और कम से कम 2 से 3 कलर के इसमें फूल निकलते हैं, फ्लावर निकलते हैं। तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके घर में प्लांट्स हैं, और अगर आपके घर के जो प्लांट्स हैं वो सूख जाते हैं तो आप किस तरीके से उनकी केयर करती हो, क्या उनमें डालती हो, कौन सा उनमें खाद डालती हो, और जो आप पानी डालती हो डेली डालती हो या फिर एक दिन छोड़ के डालती हो, किस तरीके से, तो मुझे कमेंट्स करना। इससे कह रहा मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा
जैसे मैं भी अपने पौधों की देखभाल फिर इसी तरीके से करूंगी। अभी जो टाइम हुआ था शाम का टाइम है करीबन 7:30 का, ये हो चुका है शाम की आरती का टाइम। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कान्हा जी की पूजा, आप लोग भी आइए आरती लीजिए। और देखिए आज का मैंने रूटीन आप सभी के साथ शेयर किया कि आज का मेरा पूरा दिन किस तरीके से निकला। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करके जाना। खाना मैंने बना के रख दिया है, रोटियाँ दाल चावल मैंने बना के रखी हैं, वही आज का हमारा खाना है। कल मैं गई थी मार्केट और मार्केट से क्या क्या मैं लेके आई ये आपको देखने को मिलेगा इससे अगले व्लॉग में, तो आप लोग जरूर देखना। इसे लाइक करके जाना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।